नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश में कोरोना का कहर जारी है और रोज नए आंकड़े आ रहे हैं और पुराने पीछे छूट रहे हैं। सुबह कुछ आंकड़ा होता है तो शाम को कुछ और। इसी बीच भारत विश्व में कोरोना के कारण तीसरे नंबर पर आ गया। इसका मतलब यह है कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है जहां कोरोना के मरीज ज्यादा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बजाज ऑटो के औरंगाबाद प्लांट की यूनियन ने दावा किया है कि प्लांट के 403 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव है। अब यूनियन ने मांग की है कि प्लांट को अस्थायी तौर पर बंद किया जाए। वहीं बजाज ऑटो वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष की माने तो हमने कंपनी को कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 10 से 15 दिनों के लिए फैक्ट्री बंद करने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा और काम पूरा होने के बाद लोग सार्वजनिक कार्यों के लिए एक साथ आएंगे। देश में कोरोना के मद्देनजर मार्च में लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, लेकिन इस वक्त कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए कई प्रतिबंधों में ढील दी गई, लेकिन ऐसी स्थिति में कई कंपनियों के सामने कठिन परिस्थितियों में काम शुरू करने की चुनौती होती। पश्चिमी महाराष्ट्र में बजाज ऑटो फैक्ट्री के क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को लिखे पत्र में कहा है कि जो कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे उन्हें भुगतान नहीं किया जाएगा। 26 जून को कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कारखाने में 8000 कर्मचारियों में से 140 ने कोरोना वायरस होने की बात कही और 2 की मृत्यु हो गई। औरंगाबाद के वालूस प्लांट के एक अधिकारी की माने तो कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 403 हो गई। हालांकि बजाज ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। वालूस फैक्ट्री हर साल 30,30,000 मोटरबाइक्स और अन्य वाहनों का उत्पादन करता है। बजाज श्रमिकों के लिए सभी सुरक्षा नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि ये पर्याप्त नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बजाज ऑटो के एक ही प्लांट से इतने बड़े पैमाने पर कोरोना पॉजिटिव लोग सामने आए। देखना होगा कि आगे कंपनी क्या कहती है, क्या ये सही है या गलत, ये तो कंपनी के बयान पर निर्भर करता है। देखना होगा कि कंपनी अपनी चुप्पी कब तोड़ती है।